हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं फैक्टराइजेशन का लेक्चर नंबर 03। और लेक्चर नंबर 02 में हमने ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए थे। अब आइए मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमसे कह रहा है फैक्टराइज 1/16 x² y² - 4/49 y² z². ऑप्शन ए आपके पास में है y इंटू एक्स बाई फोर माइनस 2/7 जेड इंटू एक्स बाई फोर प्लस 2/7 जेड। और ऑप्शन बी है आपके पास में y स्क्वायर ब्रैकेट एक्स बाई फोर माइनस 2/7 जेड इंटू एक्स बाई फोर प्लस 2/7 इंटू जेड। ऑप्शन सी है आपके पास में y ब्रैकेट एक्स बाई फोर माइनस 2/7 जेड ब्रैकेट क्लोज इनटू ब्रैकेट एक्स बाई फोर माइनस 2/7 जेड। और ऑप्शन डी है आपके पास में वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस 2/7 जेड इनटू एक्स बाई फोर माइनस 2/7 जेड। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो आइए देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन क्या आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम सोल्यूशन को लिखेंगे और जो क्वेश्चन है उसको हम कॉपी करेंगे। तो 1/16 x² y² - 4/49 y² z² ठीक है। अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अगर हम ऐसा करें कि सबसे पहले दोनों में जो कुछ कॉमन पॉइंट दिख रहा है अगर हम उसे कॉमन ले लें तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा इसको पहले फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो देखिए दोनों के पास में अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर हम कॉमन नहीं ले सकते, ना ही हम जेड स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास में जो दोनों के पास में अवेलेबल फंक्शन है उसी को हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर इन दोनों में देखा जाए तो अपने पास में वाई स्क्वायर है एक ऐसा जो कॉमन आ रहा है, दोनों के पास में मौजूद है। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 1/16 x² और -4/49 z². ठीक है, अब क्या करना है, अभी भी ये आइडेंटिटी में कन्वर्जन नहीं हुआ है तो हमें क्या करना है कि आइडेंटिटी में सबसे पहले इसे कन्वर्जन करना है, उसके बाद में हम आइडेंटिटी को अप्लाई कर देंगे। तो y स्क्वायर को तो हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, और 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/4 और इंटू एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे। माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 और 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर को हम लिखेंगे जेड। ठीक है, तो ये आ गया 7 और जेड, इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। अगर आप देखें तो ये जो है आइडेंटिटी में कन्वर्जन हो चुका है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी में लेके चलेंगे। तो वाई स्क्वायर ब्रैकेट एक्स बाई फोर प्लस 2/7 जेड ब्रैकेट क्लोज इंटू, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बनेगा। तो x बाई फोर माइनस 2/7 जेड, ये आपका आंसर हुआ। चेक करते हैं इनमें से कौन सा अपना ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो d तो नहीं है। ठीक है, c भी आपका नहीं है, b यानी b ऑप्शन जो है अपना करेक्ट है। अब आइए इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं मॉडरेट लेवल में। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फैक्टराइज 1/81 x² y² - 49/100 y² z². ठीक है, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन वन को फैक्टराइज किया बिल्कुल वैसे ही जो है क्वेश्चन टू को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, 1/81 x² y² - 49/100 y² z² पहले आप ये देखें कि दोनों के पास में कौन ऐसा वेरिएबल है जिसको आप कॉमन ले सकते हो। देखो x तो नहीं ले सकते क्योंकि x इसके पास मौजूद नहीं है, z को नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास में z नहीं है,
वाई स्क्वायर इसके पास में भी है, इसके पास में भी है, इसके अलावा आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर तो हमें यहां से कॉमन आ रहा है, ठीक है, और जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो 1/81 x² - 49/100 z², ठीक है, ये हमने कॉमन लेने के बाद में जो बचा उसको हमने कॉपी कर लिया। अब क्या करना है कि अभी आप यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, आपको आगे लेके चलना है पहले, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्जन करना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन वन में किया बिल्कुल वैसे ही करना है। तो वाई स्क्वायर को तो हमने कॉपी कर लिया और स्क्वायर ब्रैकेट को हम यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 81 हमें पता है 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। और अगर 49 को देखा जाए तो अभी हमने ब्रेक डाउन किया, 7 का स्क्वायर होता है। अगर 100 को देखा जाए तो हम क्या कर लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x/9 का होल स्क्वायर और माइनस 7/100, 100 का नहीं करेंगे 10 करेंगे, ठीक है, 7/10 जेड का होली स्क्वायर, और स्क्वायर ब्रैकेट हमने कहा कि यूज करेंगे, ठीक है। अब ये बन चुका है a+b और a-b में, ठीक है। तो वाई स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, a+b (a-b), ठीक है। तो x/9 + 7/10 z (x/9 - 7/10 z) ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखिए ए ऑप्शन तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, नहीं बी तो है, बी होगा, सी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लस प्लस है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, जैसा आपके पास में क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग से सबसे पहले आप कॉमन ले, कॉमन लेने के बाद में आप देखें कि कौन सी आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। पहले इसको कॉपी करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई -14 x·12 y + 8 x·5 x z / 2 x². तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे, -14 x·12 y + 8 x·5 z / 2 x². अगर आपके पास में इस तरह का क्वेश्चन गिवन रहता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में कुछ आपके पास में दिया गया है, तो आप करेंगे क्या, पहले आप जज करना कि डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग से आप कॉमन ले लें, ठीक है। अगर आप सपोज दैट, अगर मान लो कि आप अगर यहां से 2 x·5 भी कॉमन ले लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इसे फैक्टर करते हैं, तो 14 माइनस को छोड़ रहा हूं, 14 x·12 y है, ठीक है। इसको मैं जब फैक्टर करने जाऊंगा तो तोड़ सकता हूं इसे 2 × 7, और अगर इसके अकॉर्डिंग से तोड़ रहा हूं कि x·5 के अकॉर्डिंग से, तो मैं क्या करूंगा कि x·5 × x·7 करेंगे। अच्छा एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि जब किन्हीं दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो पावर होता है वो ऐड होता है, ना कि मल्टीप्लाई। कभी भी ऐसा नहीं कर देना है कि x और x को मल्टीप्लाई किए तो इसको भी मल्टीप्लाई, नहीं पावर को भी कर दिए तो ये आ जाएगा 35, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं उस केस में जो उनका पावर होता, उन पावर को हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। अगर पावर में सपोज दैट कि माइनस रहा तो वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा, लेकिन पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा। हाँ मल्टीप्लाई कहाँ होगा, तो अगर मान लीजिए कि x² है और इसका पावर मान लीजिए 2 है, ठीक है, होल स्क्वायर है, तो ये पावर आपका मल्टीप्लाई होगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। और अगर यहां 3 रहा,
अगर इसे नहीं समझ में आया कि पावर का एडिशन हो गया, तो इस तरीके से समझे कि अगर एक्स स्क्वायर रहा और होल पावर उसका 3 रहा, तो इसको जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 6 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई एक्स टेंडिंग टू पावर 5 से करें, 6 से करें, या 8 से करें, या 10 से करें, या इन्फिनिटी से करें, तो उसमें क्या होगा कि पावर का एडिशन होगा। अगर इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का हम रूल अप्लाई करेंगे, वो इन्फिनिटी का रूल आपको आना चाहिए, ठीक है। अब क्या करें, इसको हम फैक्टर करके लिखते हैं। तो -14 को हम लिख सकते हैं 2 × 7 एक्स टेंडिंग टू पावर 5 इंटू एक्स टेंडिंग टू पावर 7 प्लस, ठीक है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4 एक्स टेंडिंग टू पावर 5 इंटू जेड, इसको ऐसे ही रखते हैं, सिर्फ हमने 8 को क्या किया है, फैक्टर किया है 2 × 10⁻², ठीक है। अब कॉमन क्या लेना है, तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 2 को, ठीक है, और एक्स टेंडिंग टू पावर 5 को, यहां से 2 और एक्स टेंडिंग टू पावर 5 को कॉमन लेंगे, तो यहां से मिल जाएगा हम सिर्फ 2 लेंगे और एक्स टेंडिंग टू पावर 5 को, ठीक है। याद रहे माइनस वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस यहां मिलेगा हमें, 7 बच गया, और एक्स टेंडिंग टू पावर 7 बच गया, यानी कि -7 एक्स टेंडिंग टू पावर 7, ठीक है। प्लस 2 को कॉमन ले चुके, यहां से 4 और जेड हमें मिल जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड में है 2 × 10⁻², ठीक। अगर और आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इस 5 को मैं और ब्रेक करके लिखता हूं, ठीक है, चलते हैं। तो 2 × x³ × x², ठीक है, ब्राइट शेल्स -7 × 10⁻⁷ प्लस 4z, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 x² देखो ये 2 से 2 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, तो जो बचा है उसको हम लिखते हैं। तो इस तरीके से आपको फैक्टर करना है, देखो हड़बड़ा के कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है, आराम आराम से आप इसको सॉल्व करें, मेरे हिसाब से 10 सेकंड 15 सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। जो बचा है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में बचा हुआ क्या है, हमारे पास बचा हुआ है x³ − 7 × 10⁷ प्लस 4z। अब आंसर चेक करें कि क्या कोई आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए, a को पहले देखते हैं, x³, ठीक है, −7 × 10⁻¹। अच्छा, हमने यहाँ बेटे y जो है वो मिस्टेक कर रखा, तो यहाँ पे y आएगा, ठीक है, और y प्रोडक्ट में रहेगा 4z, यहां पे भी आपका y प्रोडक्ट में रहेगा प्लस 4z, ठीक है। और कहीं करेक्शन करना है, यहां पे हमने कर दिया, यहां कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए अपना ठीक है, ऑप्शन बी और सी और डी ये नहीं होंगे। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन 4 लगाते हैं। क्वेश्चन 4 में हमसे कह रहा है एब्सोल्यूट 64y × 10⁴ प्लस 8y³/4y³, ठीक है। अब करना क्या है आपको, आइए तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखो, और क्वेश्चन है 64y × 10⁴ प्लस 8y³/4y³, ठीक है। y क्यूब को बाहर ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो आपका इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 4y³ को कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब 4 की टेबल में चेक करें 64 कितनी बार में आता है, तो 16 × 64 होता है, ठीक है। तो यहां 16, और आपने 3y को यानी कि y→3 को आपने कॉमन ले चुके हैं, तो यहां 4 है, एक आपके पास में यहां बच जाएगा, ठीक है, और 4 कॉमन लिए प्लस यहां से 2 आ जाएगा, और डिवाइड में है 4y³ है, देखिए 4y³ ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। फाइनली अपने पास में बचा है क्या, तो फाइनली अपने पास में बचा हुआ है 16y+2। देखिए कि क्या कोई ऑप्शन आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है तो फिर आपको कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, बिल्कुल इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। यदि हम अगर 2 कॉमन ले लें और तो अपना काम शायद कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन लेंगे तो 8 यहां पे मिल जाएगा प्लस 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब चेक कीजिए, तो
इस तरीके से अगर चेक करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन सी आपका जो है वो मैच करेगा। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन हो एक्सपोनेंट का थोड़ा क्वेश्चन आपको सोचना पड़ेगा, बाकी बाद में इजी क्वेश्चन आता है, टफ नहीं आते हैं। ठीक है, आपका माइंड चेक किया जाता है कि आप कितने जल्दी क्वेश्चन को लगा पाते हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, ये चीज देखा जाता है। तो अब मूव करते हैं क्वेश्चन फाइव की तरफ। क्वेश्चन फाइव में हमसे कह रहा है डिवाइड 32x टेंडिंग टू पावर 4 y क्यूब माइनस 16x क्यूब y टेंडिंग टू पावर 4 y माइनस 8x स्क्वायर y। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम करेंगे क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन को कॉपी करेंगे 32x टेंडिंग टू पावर 4 y क्यूब माइनस 16x क्यूब y टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाई माइनस 8x स्क्वायर y। हमें डिनोमिनेटर को क्या करना है, इलिमिनेट करना है, जो है उसी को हम कॉमन लेंगे। तो 32 को हम लिख सकते हैं, ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, 8 है तो 8 × 4 x² × x² ठीक है, x का पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं x² × x² ठीक है, और y क्यूब को हम लिख सकते हैं y² × y ठीक है, क्योंकि हम यहां से कॉमन लेना चाहते हैं x² y को, ठीक है, और साथ में 8। तो y² × y माइनस 16 है ना, 8 × 2 × x² × x और y × y³ में तोड़ देते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस 8x² y। चलिए 8 को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, x² को हमने कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया हमने, तो यहां से मिल जाएगा 4x² और y² माइनस 8 को कॉमन ले लिए, x² ले लिया, y ले लिए, तो माइनस 2x × y³ ठीक, ये मिल जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस 8x² y। देखो यहां 8 से 8 कैंसिल, x² से x² कैंसिल, y से y कैंसिल, आगे चलते हैं, तो जो बचा है उसको हम कॉपी करते हैं, ठीक, माइनस के साथ में बचा हुआ कोई नहीं, तो माइनस 4x² y² माइनस 2xy³। अब माइनस से इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें माइनस 4x² y² माइनस माइनस प्लस 2xy³, ठीक है, ये आंसर आप चेक करें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ठीक है, सी में चेक करो जरा, 4x² y² प्लस 2xy³, ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन आपका सी करेक्ट। मैं आप लोग के लिए जो है ये ब्रेक करके दिखा रहा हूं ताकि प्रॉब्लम नहीं आए आप लोग को तोड़ने में, ठीक है, आगे में चलेंगे और क्वेश्चन सिक्स का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन सिक्स में हमसे कह रहा सिंप्लीफाई 49 e 10 to power 4 b 10 to power 6 और c 10 to power 8 डिवाइडेड बाई 7 a² b² c² अब करना क्या है इसमें, देखो इसमें ये करना है आपको कि जो डिनोमिनेटर में है ना, जो डिनोमिनेटर में है उसको देखो और कॉमा ले लो, ठीक, बस ये चीज ध्यान में ये रखना कि अगर पावर को आप ब्रेक कर रहे हो तो पावर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका एडिशन होता है, ठीक है, ना कि मल्टीप्लीकेशन, ये ध्यान में रखना, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 49 a² × a² हम लिख सकते हैं, a का पावर 4 है तो इसको लिखेंगे a² × a², ठीक है, और b का पावर कितना है 6 है, तो b का पावर 6 है, ठीक है, इसको हमें क्या कॉमन लेना, b² लेना, तो b² × b का पावर 4 रखो, और c का पावर 8 है तो इसको लिखो c² × c का पावर 6 कर दो, ठीक है, ये आपका बच जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, और 49 को तो आप लिख सकते हो 7 × 7, ठीक, तो हमने यहां से ब्रेक कर दिया है,
ठीक है, बी को लिखा है बी स्क्वायर इंटू बी का पावर 4 और सी स्क्वायर इंटू सी का पावर 6 डिवाइडेड बाई 49 को ब्रेक कर दो, चलो 7 इंटू 7 कर दिया और 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर सॉरी बाई सी स्क्वायर। ठीक है आगे में चलेंगे, तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेंगे तो 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 7 बच जाएगा क्या, देखो ए स्क्वायर बाहर चला गया बी स्क्वायर बाहर चला गया सी स्क्वायर बाहर चला गया तो मिलेगा 7 ए स्क्वायर, ठीक है बी का पावर 4 और सी का पावर 6 है, ठीक है ये बचेगा और डिवाइड में अपने पास में 7 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, देखो ये पूरा टर्म इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है और अपने पास में बचेगा क्या, तो मैं लिख देता हूं इधर बचेगा अपने पास में 7 ए स्क्वायर बी का पावर 4 और सी का पावर 6, ये अपना आंसर है। ठीक है चेक करो जरा आंसर कौन सा सही है, तो देखो ए तो ऑप्शन सही नहीं है, बी सही अपना है, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, तो इस तरीके से बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन कराएंगे, सबसे पहले यहां तक आप कॉपी करेंगे। क्वेश्चन 7 देखेंगे, क्वेश्चन 7 में हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इनटू ए माइनस बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। ठीक है ऑप्शन ए में है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी, ऑप्शन बी है ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी और ऑप्शन सी है ए स्क्वायर, ऑप्शन डी है आपका ए माइनस टू बी। इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आप लोग, हम भी सॉल्व करते हैं आप लोग के साथ में और आप लोग भी लगाएं, तो सॉल्व करते हैं इसे। गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए इंटू ए माइनस बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर। ठीक है अगर देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या हम ब्रेक अगर कर दें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में, ऐसा क्यों किया ताकि ये एलिमिनेट हो जाए। ठीक है ए इंटू ए माइनस बी माइनस है ऐसे रखेंगे, अगर हम न्यूमेरेटर से देखें यहां पे तो क्या कॉमन ले सकते हैं, पहले तो इसको मैं तोड़ देता हूं, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू ए इंटू बी। ठीक है हमें हमारे पास में क्या है ए बी स्क्वायर है, तो देखो दोनों में जो कॉमन ले सकते हो वो ए बी ले सकते हो। ठीक है ए बी कॉमन ले सकते हो, तो ए बी को हमने क्या किया कॉमन ले लिया। ठीक है यहां पे क्या मिलेगा देखें तो b मिल जाएगा और यहां पे क्या मिलेगा प्लस a मिल जाएगा डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। ठीक है देखो a माइनस बी इलिमिनेट हो जाएगा, a प्लस बी यहां पे मिल जाएगा बाय a माइनस देखो a बी a कैंसल। ठीक है b दो है तो यहां से a कैंसल हो जाएगा, एक आपके पास में बचेगा माइनस b प्लस a बाई बी। अब आपको क्या करना है कि आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा ए और बी का एलसीएम क्या आ जाएगा ए बी आ जाएगा। ठीक है हमारा तरीका क्या होता है कि जो एलसीएम आता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं। ठीक है ऑप्शन बेटा इसको सही करो, तो ए बी हमने एलसीएम लिखा है, इसके जो डिनोमिनेटर है उससे हम डिवाइड करते हैं, चलिए ए से ए कैंसिल होगा जो बचेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो b इंटू ए प्लस बी। ठीक है माइनस जब इसको हम b से डिवाइड करेंगे तो b से b कैंसिल a बचा, a को मल्टीप्लाई इसके साथ में a इंटू सदा के लिखते हैं a प्लस बी। चलिए प्रोडक्ट करते हैं तो b को मल्टीप्लाई a के साथ में करेंगे तो मिल जाएगा ए बी। ठीक है b को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ में तो प्लस बी स्क्वायर माइनस a को मल्टीप्लाई a के साथ में ए स्क्वायर और देखो माइनस प्लस माइनस
ठीक है, ए को मल्टीप्लाई बी के साथ में करेंगे तो ए भी मिल जाएगा, और डिवाइडेड में है ए बी, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो यहां से देखें तो ए बी प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ओ बी नहीं है, ये ए बी है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी, फर्दर हम इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी में, तो यानी कि बी प्लस ए बाई ए बी, ठीक है, इन टू बी माइनस ए, ठीक, इस तरीके से आपको ब्रेक करना है। देखें जरा मैच कर रहा हूँ आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, इसको बीचो बीच में लिखो, तो इस तरीके से आपका जो आंसर ए है वो मैच कर रहा है, और आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको करना क्या है कि स्टेप को जो है मायने में रखना है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते। फैक्टराइजेशन में बेसिकली आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, जितना तोड़ सकते हो उसको छोटा करो। आगे में चलेंगे, क्वेश्चन 8 में हमसे कह रहा है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू एक्स माइनस टू बाई एक्स, ठीक है, इसको आपको फैक्टर करना है, इसमें बताना है कि कौन इसमें एक फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर एक आपको चूज करना है, दो नहीं, जो ही जो आपका ऑप्शन में मैच करेगा। और इससे पहले वाले लेक्चर में इस तरह के हमने शायद 3 से 4 क्वेश्चन आपको करवाया था, ठीक है, एक क्वेश्चन हम मॉडरेट में रखे हैं उसको करा देते हैं। ऑप्शन है आपके पास में ए में एक्स माइनस वन बाई एक्स, और बी में ऑप्शन है आपका एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस वन, ठीक है, और ऑप्शन सी में है आपके पास एक्स प्लस वन बाई एक्स, और ऑप्शन डी में है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। कैसे सॉल्व करोगे सोचो जरा, सोचो कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो मैं क्वेश्चन को कॉपी करता हूं, तब तक सोचो आप लोग। क्वेश्चन को गौर से देखो, ठीक है, क्वेश्चन को गौर से आप देखें कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, अगर इतना आप देखें तो आपको कुछ दिखेगा, ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं दिखाता हूं क्या दिखना चाहिए, ठीक है, देखिए अगर इसे देखें तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है, तो इसे एक्स प्लस वन बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या मिला एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स और प्लस टू, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे चलें अगर माइनस टू को कॉमन ले लें, अगर माइनस को टू कॉमन ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स। अब देखो कि दोनों में क्या कॉमन पॉइंट आ रहा है, ठीक है, यहां से हम कॉमन दोनों के पास में मौजूद है एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं एक्स प्लस वन बाई एक्स, और एक्स प्लस वन बाई एक्स जब आप कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसकी पावर दो है तो एक तो बचेगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, ठीक है, और यहां क्या मिल जाएगा माइनस टू, चाहे तो ब्रैकेट हटा दें, ठीक है, कोई जरूरी इसका नहीं है, ठीक है, हमसे क्या कह रहा है कि वन फैक्टर बताओ, तो वन फैक्टर क्या होगा, ये पार्ट होगा हमारा वन फैक्टर, होगा या नहीं होगा ध्यान रखो, देखो 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 देखो, ठीक है, होगा, तो इस तरीके से आपको जो है ना ऑप्शन सी करेक्ट। अगर हमसे बोलते टू फैक्टर तो ये पूरा वाला जो होता है ये पूरा आंसर में आपके पास में गिवन होता, समझे कि नहीं समझे, समझ में आया तो बताओ मुझे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं मॉडरेट लेवल में, क्वेश्चन 9, सिंप्लीफाई 100k टेंडिंग टू पावर 5 प्लस 16k टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4k³। सोचो यार इसको कैसे सॉल्व करोगे, सोचो जरा सो, तब तक मैं क्वेश्चन को कॉपी करता हूं। 100k टेंडिंग टू पावर 5 प्लस 16k टेंडिंग टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4k क्यों, ठीक है, 100 को क्या लिख सकते हो जरा सा देखो, क्या हम 100 को लिख सकते हैं 4 इंटू 25, ठीक
है, और ज्यादा नहीं तोड़ना चाह रहे, 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि यदि हमारे पास डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 के टेबल में इसको ब्रेक डाउन करें, और 16 को आप लिख सकते हो, 16 को क्या लिखोगे, 16 को 16 को लिखोगे 4 इंटू 4, ठीक है 4 इंटू 4 लिखोगे, लिख जाओ भैया, ठीक है, और के क्यूब के फॉर्म में तोड़ना है, ठीक, चलते हैं आगे, के का पावर 4 है तो हम इसको लिख सकते हैं के क्यूब इंटू के, और के का पावर 5 को हम लिख सकते हैं के का पावर क्यूब इंटू के स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, चलिए तो 4 इंटू 25 इंटू के क्यूब इंटू के स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 के क्यूब इंटू के डिवाइडेड बाई 4 के क्यूब, ठीक है, अब कॉमन लेते हैं, 4 हमने कॉमन ले लिया, के क्यूब और के क्यूब बाहर ले लिया, ठीक है, मिला क्या आपके पास में 25 के स्क्वायर, और यहां पे देखें क्या मिलेगा 4 के, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 के क्यूब, ये कैंसल आउट हो जाएगा, हो गया था, ठीक है, 25 के स्क्वायर प्लस 4 के, क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, घबराने की बात है, के को और कॉमन ले लेते हैं, जैसे के को हम कॉमन लेते हैं, हमें मिल जाएगा 25 के, यानी कि जो 4 के है 4 को हम यूनिटी कर देते हैं, ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा 4, अब चेक करो जरा सा है कोई ऑप्शन मैच कर रहा, ऑप्शन ई मैच कर रहा, ठीक है, तो इस तरीके से यार फैक्टराइज करना है, ठीक है, उतना टफ क्वेश्चन नहीं होता फैक्टराइज का, आइडेंटिटी वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान रखो, और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा आना चाहिए कि अगर कोई टर्म है तो एक टर्म से उसमें क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे हम एक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन कर सकें, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ा सा जो है छेड़छाड़ करने के लिए आना चाहिए, बाकी बाद में आराम से लगा ले जाओगे आप लोग क्वेश्चन को, ठीक है, तो मॉडरेट लेवल का जो है आपका क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हम लोग करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन था 9, उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे वो स्काई लेवल का करेंगे, एक ओलंपियाड का, तो दो लेक्चर आपका फैक्टराइजेशन का बचा हुआ है, फिर हम लीनियर इक्वेशन करा देंगे, उसके बाद में मेंसुरेशन करेंगे या देखें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करें, तो इसके बाद जो होगा वो लिनियर इक्वेशन ही हम कवर करेंगे, तो दो लेक्चर तो अभी हमारे बचे हुए हैं इस चैप्टर के, ठीक है, उसके बाद लिनियर इक्वेशन को हम लोग कवर करेंगे।